अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 2 प्याज जिसको मैंने पतला पतला कट किया है, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं, हमें इसको ब्राउन करना है। 200 ग्राम दही लिया है, 800 ग्राम चावल ली है मैंने, ये कोलम सिल्की है फ्रेंड्स। नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग लूँगी। 2 चम्मच फुल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं फ्रेंड्स। 1 तेज़पत्ता है, 1 फुल चम्मच शाहजीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 फूल है और जावित्री का 1 छोटा पीस है, 8 से 10 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 8 से 10 हरी इलायची है, 4 से 5 पीसेस दालचीनी के हैं जो कि छोटे पीसेस है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 मुट्ठी कोथमीर ली है, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चें ली है। अब हमें इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रेंड्स, पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम पुदीना, कोथमीर और हरी मिर्च के पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीने का हमने पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं, हम इसको चिकन में डाल देते हैं। हमारा चिकन पुलाव इससे ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसको चिकन में अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करने के लिए 1 से 1.5 घंटा रखना है फ्रेंड्स। ये जब चिकन के अंदर पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, ये बहुत टेस्टी चिकन हमारा इसी से बनेगा। अदरक लहसुन का भी पेस्ट हम डाल देते हैं, गरम मसाला पाउडर हमें अभी डालना है, 1 छोटा चम्मच लिया था फ्रेंड्स हमने, दही भी डाल देते हैं। नमक हम टेस्ट के हिसाब से ले, आपको जितना नमक कम ज़्यादा लगता है आप वैसे ही ले। हमको चिकन को पूरा अच्छे से कोट करना है फ्रेंड्स, ऐसे हाथों से ही करें, अच्छे से कोट होता है ऐसे। हमको ऐसे इसको अच्छे से कोट करके इसको 1 से 1.5 घंटा अच्छे से रख दे, उसके बाद हम बनाएंगे इसका पुलाव, जो एकदम झटपट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ऐसा टेस्टी बनेगा कि आसपास के लोग आपसे आकर पूछेंगे कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड और कम इंग्रेडिएंट्स में एकदम इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पुलाव। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा चिकन कैसे मैरिनेट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम बनाते हैं पुलाव। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स एक कुकर में बना रहे हैं हम, जो कि झटपट बनेगा। तो हम 100 ग्राम के आसपास तेल ले ले, तेल अच्छे से गर्म होने देना है फ्रेंड्स। हमने पहले ही कुकर को गर्म कर लिया था, तो तेल जल्दी से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं खड़े गरम मसाले, जो मैंने आपको बताया क्या क्या लिया हमने इसमें फ्रेंड। खड़े गरम मसाले जब भी ले तो इलायची को थोड़ा सा, इसको का मुँह को थोड़ा सा खोल दे, जिससे इसमें अच्छे फ्लेवर आते हैं। ये 2 प्याज फ्रेंड्स ली थी हमने, जिसको पतला पतला कट किया था। अब हमको ये प्याज को ब्राउन करना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, मैं हमेशा बनाती हूँ उसको, और ये झटपट भी बन जाता है कुकर में, और उसकी खुशबू इतनी इतनी ये होती है कि पूरे घर में हर कोई हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई आ गया उस वक्त तो पूछ रहा है आज आपने क्या बनाया, बहुत खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमको प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं वैसा। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, चिकन में पूरा टेस्ट अच्छे से आ गया है मसालों का। अब हमको चिकन को, प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाती है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे के प्रोसीजर।
चलो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पुलाव कैसा बना है। वाओ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड, हमारा पुलाव बहुत अच्छे से बन चुका है। ये देखिए चावल हमारे परफेक्ट बन चुके हैं, ना ज़्यादा कच्चे हैं और ना ज़्यादा बॉईल हुए हैं, एकदम परफेक्ट। हमें जैसा पुलाव चाहिए था वैसे हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अब करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए फ्रेंड मैंने एक टमाटर को ऐसे शेप में कट किया है और कुछ प्याज की रिंग ली है, एक नींबू को ऐसे स्लाइसेस में भी कट किया है फ्रेंड। जितना अच्छा हमने बनाया है पुलाव उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड हमारे पुलाव की। इंस्टेंट पुलाव आपने देखा मैंने बहुत कम मसालों से झटपट बनाया है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। थोड़े से पुदीने के पत्ते से साइड में लगा देंगे जिससे हमारी पुलाव की प्लेट और भी अच्छी लगे। ये देखिए हमने चिकन को ऐसे मैरिनेट किया फ्रेंड, इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ऐसे ही झटपट इंस्टेंट पुलाव बनाकर देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा फ्रेंड। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना हमारा पुलाव, आप भी ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड। आप ज़रूर ये वाला पुलाव की रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे बताएं कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंस्टेंट पुलाव है फ्रेंड्स, थैंक यू।